हे हेलो, वेलकम बैक हमारी YouTube फैमिली। अगर आप भी क्रिप्टो के बारे में सोचते हैं कि आखिर क्रिप्टो क्या वाला है, क्या क्रिप्टो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके कम टाइम के अंदर ज़्यादा पैसा कमाने का चांस है, या इससे भी बढ़कर काफ़ी बड़ी चीज़ है क्रिप्टो, तो आज की इस वीडियो में आपको A to Z कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है कि क्रिप्टो क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, आप इसका उपयोग ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कैसे कर सकते हैं, और उसके अलावा क्रिप्टो से क्या क्या चीज़ें संभव है, क्या भारत में ये लीगल है या फिर नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले तो यह समझा जाए कि क्रिप्टो होता क्या है। देखिए, क्रिप्टो एक टाइप की ऑनलाइन करेंसी है। अगर आसान भाषा की बात करें तो जैसा कि आप फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम यूज करते होंगे, उसमें आपको ऑनलाइन अपने बैंक अकाउंट देख सकते हैं, कितने रुपए हैं आपके खाते में वो देख सकते हैं, पर आप उसको कभी टच नहीं कर सकते हैं। आपको ये पता है कि मेरे अकाउंट में इतने रुपए हैं। हाँ, एक डिफरेंस यहाँ ये आता है कि आपका जो भी रुपया होगा, जो भी आपके बैंक खाते में पड़ा होगा, आप उसको ATM के थ्रू या फिर बैंक में जाकर वाउचर भरकर आप उस पैसे को निकाल सकते हैं, आप उसको फिजिकली टच कर सकते हैं। पर क्रिप्टो में ऐसा कोई भी सीन नहीं होता है। क्रिप्टो केवल और केवल ऑनलाइन ही रहता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी अधिकार नहीं होता है। जैसे इंडिया में जितने भी पैसे हैं, जितनी भी मुद्राएं हैं, चलती हैं, उन सबके ऊपर RBI का अधिकार होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जितने भी छोटे छोटे बैंक हैं इंडिया के, जैसे कि स्टेट बैंक हो गया आपका, या एक्सिस बैंक हो गया, HDFC हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑल इंडिया में जितने भी फाइनेंशियल लेन देन करने वाले बैंक्स हैं, इन सभी के ऊपर कंट्रोल रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। जो गाइडलाइंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है, उनका पालन करना होता है इन सभी बैंकों को। एक तरीके से इन सभी बैंकों के पिताजी हम बोल सकते हैं RBI को। बट जो बिटकॉइन होता है, उसके ऊपर किसी भी देश के किसी भी बैंक का अधिकार नहीं होता है। हर देश के पास अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे इंडिया के पास RBI है, US के पास अपना है, चाइना के पास अपना है, पाकिस्तान के पास अपना है, और उन सभी देशों की जो मुद्राएं होती हैं उनके ऊपर जो कंट्रोल होता है वो उनके सेंट्रल बैंक का होता है, बट बिटकॉइन के ऊपर किसी का नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ये एक फ्री करेंसी है। अब जब किसी देश का कंट्रोल नहीं है तो इसे बनाया कैसे गया? देखिए, इसे कोडिंग के माध्यम से बनाया गया था, कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के द्वारा, और ये एक ब्लॉकचेन के माध्यम से काम करता है। इसे बनाने वाले बंदे का केवल इतना इंटेंशन था कि किसी भी देश के गवर्नमेंट के पास इतनी ज़्यादा पावर ना हो करेंसीज को लेकर, जितना भी लेन देन हो ऑल ओवर वर्ल्ड में वो केवल एक ही मुद्रा में किया जाए, और जिसे कहा जाए क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में लेन देन काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, कोई भी गवर्नमेंट इसमें अपना हाथ नहीं घुसा सकती है। कितने का ट्रांजेक्शन हुआ, कहाँ ट्रांजेक्शन हो गया, गवर्नमेंट इसका पता भी नहीं लगा सकती है। तो कई मायनों में ये फायदेमंद भी होता है और कई मायनों में ये नुकसानदायक भी होता है। जैसे कि जितने भी इलीगल काम होंगे अगर वर्ल्ड वाइड में, तो उन सभी का ट्रांजेक्शन अगर क्रिप्टो के माध्यम से होने लगा तो गवर्नमेंट उन्हें रोक नहीं सकती है। लोग नशे के जो प्रोडक्ट होते हैं, हथियार होते हैं, वो सब एक दूसरे को सेल करना शुरू कर देंगे बिटकॉइन के माध्यम से या अदर क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से, जिसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। पर अगर वही डॉलर्स में किया जाए या इंडियन रुपीज में किया जाए या यूरो में किया जाए, तो उस देश की गवर्नमेंट को पता होता है कि इतना पैसा इस जगह से इस जगह गया, किस काम के लिए गया, उस चीज का हिसाब गवर्नमेंट को चाहिए होगा। तो वहीं कुछ फायदे भी हैं पब्लिक के लिए अगर हम बात करें। जैसे कि अगर हम कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं, सपोज दैट यूट्यूबर्स की, जैसे कि मैं अपनी बताऊं, यूट्यूबर्स की पेमेंट US से आती है तो US डॉलर्स में आती है, जिसे इंडिया में फॉरेक्स डिपार्टमेंट कन्वर्ट करके हमें इंडियन रुपीज में देता है। अब इस प्रोसेस में 2 से 3 दिन या 4 दिन या कभी कभी ऐसा होता है कि 8 दिन का भी टाइम लग जाता है। बिटकॉइन के लिए ये केवल 10 मिनट का काम रहेगा, पर इसमें हमारे बैंकिंग सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। जितने भी बैंक्स होंगे वो पैसे एक्सचेंज करने के लिए एक एक्सचेंज रकम लेते हैं अपनी। बिटकॉइन एकदम फ्री होता है, तो बिटकॉइन के माध्यम से पैसा बहुत जल्दी भी आ जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार का कस्टमर्स को चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा, पर बैंकों का यहाँ काफ़ी बड़ा लॉस हो जाएगा। शुरुआत में बिटकॉइन को एक फ्रॉड सिस्टम की तरह देखा जा रहा था, पर आज के टाइम में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर दी हैं, और ये छोटी मोटी कंपनियां नहीं, ये इंटरनेशनल कंपनियां हैं जो कि बिटकॉइन में पेमेंट रिसीव कर लेती हैं। और अगर क्रिप्टो की बात करें तो यहाँ पर केवल बिटकॉइन नहीं होता है, बिटकॉइन की तरह और भी हजारों आज के टाइम में कॉइन्स बने हुए हैं।
और ऐसा नहीं है कि मैं बिटकॉइन बोल रहा हूँ तो क्रिप्टो में केवल बिटकॉइन ही है। बिटकॉइन की तरह हज़ारों आज के टाइम में कॉइन्स हैं जो कि क्रिप्टो कॉइन्स हैं और उनकी मार्केट वैल्यू भी काफ़ी अच्छी खासी है और उनका ट्रांजेक्शन्स भी काफ़ी अच्छा खासा होता है। जैसे कुछ फेमस कॉइन्स की अगर हम बात करें तो पोलका डॉट, टेथर, लाइट कॉइन, डॉज कॉइन, ऐसे ही बहुत सारे कॉइन्स हैं। आप इंडिया में रहकर बिटकॉइन को खरीद और बेच सकते हैं, मतलब आप इसमें पैसा डाल सकते हैं और एक टाइम के बाद अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो आप इसे तुरंत सेल कर सकते हैं और जितनी वैल्यू बढ़ी है वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। अब हम ये कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए भी इंडिया में काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है, काफ़ी सारे एप्लीकेशन है, काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं, जैसे कि वजीर एक्स, जेब पे, कॉइन स्विच, कुबेर, कॉइन डी सी एक्स गो, ये कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जिन्हें डाउनलोड करके इसमें आपको अपना अकाउंट बनाना होगा और आप वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी सेल कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। अब बाय करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी बाय कर ले। सपोज दैट बिटकॉइन का प्राइस अगर 30 लाख रुपए है तो आप 30 लाख रुपए का ही बाय कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप उसका कुछ अंश भी खरीद सकते हैं, आप 100 रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं, 200 रुपए, 300 रुपए, 1000 रुपए तक भी आप खरीद सकते हैं, तो उस एक का एक छोटा सा पार्ट आपको मिल जाता है, आप ऐसा समझ के रख सकते हैं। और ये 24/7 चलने वाली चीजें हैं, आप कभी भी खरीद सकते हैं और कभी भी इसे सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऐसे क्रिप्टो करेंसीज में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी वैल्यू अभी ना के बराबर है और आपको लगता है कि आने वाले टाइम में वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी, अच्छा खासा बन सकती हैं, तो आप उनमें इन्वेस्ट करके आने वाले टाइम में उनसे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, अगर आपने 2011 या 12 के तकरीबन 1 रुपया भी बिटकॉइन में लगाया होता तो आज आप लगभग 30 से 35 लाख के मालिक होते। पर ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो का रेट केवल बढ़ता ही रहता है, ये ऐसी चीज़ है जो घटती भी बहुत तेज़ी से है और लंबा नुकसान भी देती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा दिमाग का उपयोग करके आपको चलना होता है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।